नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि ज़मीन बिक्री करने के लिए ज़मीन मालिक और ख़रीदार के बीच कोई एग्रीमेंट बनता है या मकान खरीद के लिए मकान मालिक और मकान ख़रीदार के बीच कोई एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट मात्र बनने से उस ज़मीन का स्वामित्व उसे प्राप्त नहीं होता है या फिर मकान का मालिकाना हक उसे प्राप्त नहीं होता है। इस संदर्भ में मैं आगे बता रहा हूँ, इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। ये ज़मीन का भू स्वामित्व या फिर मकान का मालिकाना हक तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मकान मालिक द्वारा या फिर ज़मीन मालिक द्वारा उसका पूर्णतः निष्पादन नहीं होता, यानी रजिस्ट्री नहीं हो जाता है, तब तक उसे भूस्वामित्व या मकान का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 54 के मुताबिक सेल एग्रीमेंट बनने से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है क्रेता को जब तक कि प्रॉपर्टी मालिक द्वारा प्रॉपर्टी को पूर्णतः रजिस्टर्ड निष्पादन नहीं कर दिया जाता है। एग्रीमेंट के आधार पर यदि एग्रीमेंट धारक ज़मीन खरीदता है, एग्रीमेंट करता है ज़मीन खरीदने के लिए और इस हैसियत से वह खेत पर उसे कब्जा कर लेता है, उस पर खेती बाड़ी शुरू कर देता है या फिर कोई व्यक्ति यदि मकान खरीदने के लिए एग्रीमेंट बनवाता है और उस आधार पर वह उस मकान को कब्जा जमा लेता है तो यह कानूनन अवैध है। यदि ज़मीन खरीदने के लिए बने एग्रीमेंट से पहले क्रेता उस ज़मीन को जोत आबाद कर रहा है तो निश्चय है कि वह या तो बटाईदार के तौर पर ज़मीन जोत रहा है या फिर उसने लीज में ले रखा था। तो यदि ज़मीन को लीज पर ले रखा था या फिर बटाईदार के तौर पर है तो जब तक उस ज़मीन का सेल डीड उस निष्पादित नहीं हो जाता है, उसके नाम से रजिस्ट्री नहीं हो जाता है, तब तक उसे स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा और वह बटाईदार के तौर पर या लीज धारक के तौर पर उस ज़मीन का जो खेती की जो फसल होगी उसका मुआवजा ज़मीन मालिक को भुगतान करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट हो जाने से वह फसल ज़मीन मालिक को देना बंद कर दे, यह गलत है। और यदि मकान खरीदने वाले पहले से उस मकान में रह रहे हैं तो निश्चय है कि वह किरायादार के तौर पर रह रहे होंगे तो उस मकान को जब तक मकान मालिक द्वारा रजिस्ट्री केवाला नहीं कर दिया जाता है, जब तक एस्क्यूट नहीं हो जाता है उनके नाम से पूर्णतः, तब तक वह किराएदार के तौर पर ही माने जाएंगे और उन्हें प्रतिमाह की तरह किराया भुगतान ज़मीन मकान मालिक को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट को आधार मानकर वह अपने आप को मकान का स्वामी समझकर किराया देना बंद कर दे। अगर किराया देना बंद करते हैं तो ये अवैध है, यह विधि सम्मत नहीं है। यदि ज़मीन खरीदने वाले जो एग्रीमेंट बनवाए हैं किसी कारणवश यदि उनका एग्रीमेंट सफल नहीं होता है, वह करार टूट जाती है, तो
वह एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीन को कब्जा करके नहीं रख सकते हैं, उन्हें खाली करना पड़ेगा। और यदि इसी तरह से मकान में जो पहले से किराएदार हैं उनका, वह अगर मकान खरीदने के लिए एग्रीमेंट बनवाए हैं और किसी कारणवश मकान का जो एग्रीमेंट बना है वह फेल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में, करार टूट जाने की स्थिति में उन्हें वह मकान खाली करना पड़ेगा। हाँ, इसका एक आधार है कि इसको खाली करवाने के लिए मकान मालिक को अपनी निजी आवश्यकता साबित करनी होगी। यदि मकान मालिक को अपनी निजी आवश्यकता है मकान की, तो यदि सेल डीड पूर्णतः एक्सक्यूट नहीं हुआ है तो वह मकान को खाली करवा सकते हैं। एग्रीमेंट के आधार पर क्रेता उस मकान को कब्जा करके नहीं रख सकते। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन मालिक या मकान मालिक हैं, वह यदि एग्रीमेंट करते हैं ज़मीन बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं, और उस एग्रीमेंट के आधार पर यदि मकान या ज़मीन क्रेता को बिक्री नहीं करके किसी अन्य को बिक्री कर देते हैं, तो यह कानूनन जुर्म है। और जो एग्रीमेंट धारक हैं वह इस ज़मीन या मकान को वापस करने के लिए न्यायालय में दावा कर सकते हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिलेगी। परंतु तब तक जब तक सेल डीड पूर्णतः रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है, उनके नाम से निष्पादित नहीं हो जाता है, तब तक उस एग्रीमेंट के आधार पर उन्हें स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।